أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو, मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल. दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर मेरे दो और चैनल भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें एक है 24/7 टीचर्स ऑनलाइन, जिसके ऊपर मेरे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और दूसरा है की टू सक्सेस, जिसके ऊपर आपके मिड टर्म के हवाले से और फाइनल टर्म के हवाले से लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने रखे हैं. वो आपको इंशाल्लाह मिड टर्म की तैयारी में और फाइनल टर्म की तैयारी में हेल्पफुल होंगे. तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप ये तीनों चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें. दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिकली MGT601 FME मैनेजमेंट के हवाले से है, और ये हमारा क्विज नंबर 1 है स्प्रिंग 2020 का. और मुझे लगता ये है कि इस सेमेस्टर में जो आपका मिड टर्म होना है, ये ऑलमोस्ट उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो है आपको 30 MCQs दिए गए हैं. तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना क्विज शुरू करते हैं, और इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है. टू इंश्योर प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर ऑलवेज अवॉइड रिस्क एंड अबर्ट चेंजेस. इसमें ट्रू और फॉल्स ऑप्शन है, मैंने जो है इसका ट्रू लगाया है. सेकेंड क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर नॉट ओनली इनोवेट टू क्रिएट मार्केट बट इट आल्सो अवर्ट रिस्क अवॉइड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एग्जिट टू स्ट्रगल मार्केट टू अवॉइड लॉसेस सस्टेन द पोजिशन थ्रू कंटिन्यूस डिवेलपमेंट. और लास्ट में है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. तो इसका मैंने लास्ट वाला ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन लगाया है. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ SMEs. इसमें हमारे पास ट्रू फॉल्स की ऑप्शन है, और मैंने जो है इसका ट्रू ऑप्शन लगाया है. नेक्स्ट है जी, एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव टेक्निकल, कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल. के एक जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर ये तीनों स्किल्स होनी चाहिए. तो इसमें भी हमारे पास जो है वो ट्रू और फॉल्स की ऑप्शन है, तो मैंने इसका भी ट्रू लगाया है कि उसके अंदर ये तीनों खसूसियात होनी चाहिए. नेक्स्ट है जी, कॉरपोरेशन आर कंसिडर एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ SMEs. इसमें भी ट्रू और फॉल्स की ऑप्शन है. तो कॉरपोरेशन जो है वो बेसिकली फॉर्म्स होती हैं SMEs की, तो मैंने इसका भी ट्रू ऑप्शन लगाया है. नेक्स्ट है जी, अ बिजनेस इज सेड टू बी मीडियम साइज्ड बिजनेस इफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 36 एंड लेस देन 99 एंड टोटल प्रोडक्टिव एफर्ट वैल्यू RF 40 मिलियन. दिस डेफिनेशन इज कन्फाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें SME बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसमें स्मिडा कॉरपोरेशन है, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है. तो ये डेफिनेशन जो है वो स्मिडा ने जो है वो बताई थी, तो इसलिए इसका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो इसका ठीक जवाब है. नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक इज रिस्पॉन्स बाय कंपनीज इन इंडस्ट्रीज वेयर इट इज कॉमन फॉर हाई कंपनसेट एम्प्लॉय टू फ्रीक्वेंटली मूव फ्रॉम वन फर्म टू एन अदर. इसमें डिफ ट्रैक्टर है, सोशल स्टिग्मा है, गोल्डन हैंडकफ है, और कंप्लाइंसी है. तो यहाँ पे मैंने जो है थर्ड वाला गोल्डन हैंडकफ, ये इसका ठीक जवाब लगाया है. नेक्स्ट है जी, अल्बर्ट शिफर हैड डिस्क्राइब एक्सटर्नल फैक्टर फॉर एंटरप्रेन्योर इन हिज साइकोलॉजिकल एनालिसिस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटीग्रेटेड इन दोज फैक्टर. इसमें लक है, डिसीजन मेकिंग पावर है, और फेट है. तो मैंने जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो मैंने इसका ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन
लगाया है, लेकिन इसमें आप देख लीजिए, आई थिंक के डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इसका ठीक जवाब आएगा। नेक्स्ट है जी, SMEs प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रूरल एंड अर्बन वुमेन टू यूटिलाइज देयर वोकेशनल स्किल व्हाइल स्टेइंग एट देयर होम्स। इसमें ट्रू है और फॉल्स है। तो वाकई जो आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो अर्बन और रूरल वुमेन को जो है घर बैठे उनकी जो वोकेशनल स्किल है उसको यूटिलाइज करने में मदद फराहम करते हैं, बल्कि अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो ये बात जो है वो ट्रू है, तो इसलिए मैंने इसका ट्रू लगाया है। नेक्स्ट है जी, ऑनर आल्सो प्ले द रोल ऑफ मैनेजर फॉर SMEs ड्यू टू इट्स लिमिट स्ट्रक्चर एंड सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। इसमें ट्रू और फॉल्स की ऑप्शन है, तो मैंने जो है इसका ट्रू लगाया है। नेक्स्ट है जी, एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रेफर टू स्मॉल बिजनेस एज वेल्थ ऑफ नेशन, स्टेडी ग्रोथ और बैकबोन ऑफ इकोनॉमी और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो इसकी एक बुक है, तो इसलिए मैंने इसका थर्ड वाला ऑप्शन बैकबोन ऑफ इकोनॉमी जो है वो लगाया है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली टेकन एज साइनोनिम्स ऑफ वेंचर कैपिटल। इसमें सीड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, ग्रॉथ कैपिटल है और नन ऑफ दी गिवन ऑप्शन है। तो वेंचर कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जो शुरू के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो इसमें आई थिंक के कोई ऑप्शन नहीं थी, तो इसलिए मैंने जो है नन ऑफ दी गिवन ऑप्शन लगाया है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज कंसीडर इन डिक्लेयरिंग अ बिजनेस एज स्मॉल स्केल बिजनेस। इसमें शेयर इन द इकोनॉमी है, नंबर ऑफ कंपेटिटर है, और रिसोर्स कंट्रोल है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है। तो मैंने इसका आखिर वाला वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन लगाया है। ये तय करता है कि आपका बिजनेस स्केल जो है वो कौन सा है। नेक्स्ट है जी, फिल इन दी ब्लैंक, एंटरप्रेन्योर आर दी ओनर एज वेल एज देम सेल्फ एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इनोवेटिंग है, इमिटेटिंग है, फैबिशन है और सिंगल ओनर है। तो यहाँ पे मैंने जो है इनोवेटिंग लगाया है, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, एंटरप्रेन्योर इज अ टाइप ऑफ ऑफर्ड प्रोडक्ट, फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग इनोवेशन और ऑल ऑफ दी गिवन एक्शन। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो बेसिकली इनोवेटिव होता है और इनोवेशन लेकर आता है, तो इसलिए थर्ड वाला जो है इसका मैंने ठीक जवाब लगाया है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन लिस्ट द 12 कॉमन बैरियर इन द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें वेस्पर है और वेबर है, पीटर ड्रकर है और एडम स्मिथ है। तो ये जो 12 कॉमन बैरियर बताए हैं ये आपके वेस्पर ने बताए हैं, तो फर्स्ट वाला जो है इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 17, अकॉर्डिंग टू द वन स्टडी व्हाट परसेंटेज ऑफ जापानी इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ SMEs। इसमें 21% है, 41% है, 91% है और 61% है। तो मैंने जो है इसका थर्ड वाला 91% लगाया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 18, वो हमारे पास है जी, इंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज। इसमें एन इनोवेटर है, फर्म ओनर है और रिस्क टेकर है और ऑल ऑफ दी गिवन ऑप्शन है। तो जो इंटरप्रेन्योर होता है वो इनोवेटर भी होता है, रिस्क टेकर भी होता है और फर्म ओनर भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसका लास्ट वाला बिल्कुल ठीक जवाब लगाया है। नेक्स्ट है जी, फैमिली ट्रेंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग बिजनेस चॉइस इन SMEs। इसमें ट्रू और फॉल्स की ऑप्शन है कि फैमिली ट्रेंड जो है वो SMEs की चॉइस में जो है एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो इसलिए मैंने इसका ट्रू जो है वो जवाब लगाया है। नेक्स्ट है जी, 20 क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज मीन एज ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। इसमें 22 ईयर है, 57 ईयर है और 42 ईयर है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो मैंने जो है इसका 42 ईयर एज लगाया है, थर्ड वाला।
नेक्स्ट है जी, हाउ आर दी लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइज इंटरलिंक, बाय फॉस्टरिंग चेंजेस है, बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, और बाय शेयरिंग रिस्क है, और बाय सर्विंग द सेम मार्केट है। मैंने जो है सेकंड वाला बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसका ठीक जवाब लगाया है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज दी एवरेज मीन एज ऑफ एंटरप्रेन्योर इन कोरिया अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक, 24 ईयर, 82 ईयर, 69 ईयर और 46 ईयर। तो लास्ट वाला जो है 46 ईयर, वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, टू विच कैटेगरी एफ एम ई बिलोंग इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इफ नॉट मोर देन 50, टोटल एफर्ट अप टू 50 मिलियन एंड सेल्स नॉट एक्सीडिंग आर एफ 300 मिलियन। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग सर्विस है, और कैटेज इंडस्ट्री है, और एक्सपोर्टिंग है। मैंने जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग लगाया, लेकिन आई थिंक इसका जो जवाब है वो सेकंड वाला ट्रेडिंग सर्विसेज आता है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर एज डिस्क्राइब बाय अल्बर्ट शिपिरो इन हिज साइकोलॉजिकल एनालिसिस। इसमें वीगन है, डिटर्मिनेशन है, डिसीजन मेकिंग पावर है, और फेट है। तो मैंने जो है इसका आखिर वाला ठीक जवाब लगाया है। नेक्स्ट 25 है जी, इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट सोसाइटी इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेशन पे ही डिपेंड करता है बेसिकली। तो थर्ड वाला जो है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, अकॉर्डिंग टू विच इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अ बिजनेस विल फॉल अ मीडियम स्केल बिजनेस कैटेगरी इफ इट हैव प्रोडक्टिव एफर्ट लेस देन 100 मिलियन एंड देयर इज नो लिमिट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इसमें यूथ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉरपोरेशन है, डॉक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ बलूचिस्तान है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है। मैंने जो है इसका सेकंड वाला स्मॉल बिजनेस फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये इसका ठीक जवाब लगाया है। नेक्स्ट है जी, एफ एम ईज यूजली हैव फॉर्मलाइज्ड ग्रांट स्ट्रक्चर टू मैनेज रूटीन ऑपरेशन। इसमें हमारे पास ट्रू ऑप्शन है और फॉल्स ऑप्शन है, तो मैंने इसका ट्रू ऑप्शन बिल्कुल ठीक जवाब लगाया है। नेक्स्ट है जी, जॉब लॉक इनकरेज एंटरप्रेन्योर टू परसू हिज आर ऑन बिजनेस। इसमें ट्रू और फॉल्स ऑप्शन है, तो मैंने इसका फर्स्ट वाला ट्रू ऑप्शन बिल्कुल ठीक जवाब लगाया है। नेक्स्ट है जी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू हैव फिल इन द ब्लैंक इन हिज हर वर्क। कंसिस्टेंसी है, वैल्यू क्रिएशन है, फ्री हैंड है, और नन ऑफ दीज है। तो इसमें मैंने जो है सेकंड वाला वैल्यू क्रिएशन इसका ठीक जवाब है जी, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन वाव रिपोर्टेड इन द फर्स्ट रिटर्न मटेरियल अवेलेबल अबाउट द स्मॉल बिजनेस। इसमें परचेज ऑफ लैंड है, लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस है, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेस है, और सेल ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट है। तो इसमें जो पहली ट्रांजेक्शन है वो है लोन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, तो सेकंड वाला जो है वो इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों ये था हमारा क्विज, और मुझे लगता है कि ये जो आपका सेमेस्टर चल रहा है उसकी आई थिंक कि मिड टर्म एक्टिविटी में से एक है। दोस्तों मैं आखिर में फिर आप लोगों को कहूंगा कि आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन के ऊपर जाइए, वहाँ पे मेरे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जिसमें CS101 है, MGT101 है, CS201 है, MGT201 है, CX601 है, CS401 है, ENG101 है, ACCA501 है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या GDB सॉल्यूशन के साथ। उस वक्त तक के लिए मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज।